प्लाट्स एंड एनिमल्स के बारे में ठीक है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर एंड जी के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर इन योर फोन सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट विच इज़ प्रोवाइडेड बाई आर चैनल सो दी विल प्रोवाइड दिस फॉलोइंग फीचर्स डैट वी हैव वेरियस कोर्सेज of different examinations which are going to be conducted under agriculture their test series study material free classes free quizzes I C R E notes uh, which is helpful for both the students who are in uh, graduation and also the students who are preparing for the examinations next the syllabus is provided here we have provided the all your syllabus which are uh, which uh, gives you the detailed analysis of your exam next is new update regarding examination previous year question paper and whatever youtube classes we are providing that notes is also provided on this application so install this application in your phone and stay prepared with your studies next if you have not uh, subscribed our channel on youtube so if this is the right time to to subscribe our YouTube channel and also press the bell icon so that whenever a new video is uploaded on the YouTube channel, you get notified on time. Okay, so uh, subscribe our YouTube channel and also press the bell icon. Moving further, I would like to say if you are preparing for Food Safety Officer, which is conducted under the Ayasthan PCS, so we have a complete course for you.

The link is provided in the description box and in the description box. We have also provided our personal contact number so that if you have any inquiry you can contact to our management. Okay. Next. Uh, the uh, food safety officer is also conducted under uh, Himachal Pradesh uh, service of civil services. So for this also we have a complete course uh, is, is examination Kiliwia. आपके लिए कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक क्वालिटी कंटेंट और इसकी प्राइस आपको थर्टीन हंड्रेड पड़ेगी एक मिनिमल कॉस्ट पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू इनरोल इन दिस कोर्स एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू इनरोल इन दिस कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है तो आप जब ये वीडियो एंड हो जाए उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए उसके अंदर आपको वेरियस कोर्सेस के अंदर जितनी भी लिंक्स है वो प्रोवाइडेड है तो वहाँ से जाके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं सो वी स्टार्ट द क्लास बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू सी कौन कौन अभी ज्वाइन हो गया है क्लास में

तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला हमारा टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है पहले आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में समझिए ठीक है क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हमारे हम जो नेचुरली ऑर्गेनिजम्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस है ऑलरेडी रिपोर्ड्यूस हो रहे हैं नेचुरली उसमें हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ गई ठीक है ये जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे होते हैं ठीक है बायोटेक्नोलॉजी के आपके वेरियस फीचर्स आपने देखे हुए हो होते हैं जितने भी साइंटिस्ट होते हैं रिसर्चर्स होते हैं वो कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ खोज कर रहे होते हैं और उस खोज के दौरान उन्हें लगा कि कुछ चीजें हम बेहतर कर सकते हैं अगर हमें किसी चीज़ में कोई खामियां दिखाई दे रही हैं तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने सब में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए थे ठीक है और जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए और उससे जो आपके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए थे वो ऑर्गेनिजम आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ठीक है वो प्लांट्स हो सकते हैं वो एनिमल्स हो सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो अब मैं तो क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु जेनेटिक

कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है जैसे कि आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनके अंदर कुछ मैनिपुलेशन किया गया उनके अंदर कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन किए गए और ये जेनेटिक मैनिपुलेशन किस लिए किया गया उनके फिजियोलॉजिकल यानी कि आउटर अपियरेंस और उनके अंदर की जो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और उनके अंदर एक बायोलॉजिकल डिजायर्ड प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए आपने उसके अंदर क्या किया उसके अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन किया ओके okay? देन दिस क्रिएट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एनिमल बैक्टीरिया एंड वायरस वायरस इन डेट डू नॉट अकर्स इन नेचर इन नेचर और थ्रू आउट दैट ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग मेथड तो अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने क्रिएट किए हैं ये आप जो है क्रिएशन किसी भी इसमें आप प्लाट्स एनिमल बैक्टीरिया वायरस इन सब का कॉम्बिनेशन देखिए जब भी आप किसी प्लांट में कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्लांट के जीन में आप प्लांट का ही जीन मिला रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है उस प्लांट में है आप वायरस के भी डिजायर्ड जीन्स मिला सकते हैं ठीक है तो ये जब आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है उसमें आपके प्लांट्स एनिमल वायरसेस ये सबका कॉम्बिनेशन होता है ओके और ये कॉम्बिनेशन इसलिए होता है क्योंकि वो जो फीचर आप डेवलप करना चाहते हैं वो नेचुरली उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं मोस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैज बीन इंजीनियर्ड टू विथस्टैंड द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड और द प्रोड्यूस एज एन इंसेक्टिसाइड ठीक है तो मैक्सिमम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आपके प्रोड्यूस किए गए हैं वो आपके इसलिए प्रोड्यूस किए गए हैं कि वो आपके जो आपका अब आप इंसेक्टिसाइड डालते हैं ठीक है अपने क्रॉप को किससे पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स डालते हैं तो इन सब से आपका प्लांट खुद को ही प्रोटेक्ट कर सके यानी कि उनके अंदर रेजिस्टेंस आ सके उसके लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनको डेवलप किया गया है ओके नेक्स्ट हाउ एवर न्यू टेक्नोलॉजीज आर नाउ बीन यूज टू आर्टिफिशियली डेवलप other traits in plants such as the resistant in browning in apple and to create new organism using synthetic biology तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे ये यह कहा जा रहा है कि जो आपके जो जेनटिक मॉडिफिकेशन हो रहे हैं जितने भी प्लांट्स में कुछ ऐसे डिजॉर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि वेल्टिंग देखने को मिलती है ब्राउनिंग को देखने को मिलती है स्कैब मिल हो जाता है कैंकर ये सारे डिजीजेस जो आपके डिजीजे और डिजॉर्डर्स जो आपके फ्रूट्स में या फिर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं इनसे अपने प्लांट को रजिस्टेंट करने के लिए आप उसके अंदर जेनटिक मॉडिफिकेशन करते हैं एंड ऑल्सो कुछ नए सिंथे सिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं नया नया कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं बाय सिंथेटिक मेथड सिंथेटिक मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से आप एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं ओके होप दिस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ठीक है ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे नेक्स्ट सो हियर इज हाउ वी कंडक्ट मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है इसमें आप देखेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है प्लांट के अंदर ओके तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट के अंदर कैसे हुआ है देखिए यहाँ पे दो सेल्स लिए गए हैं ठीक है थीके? यहाँ पे दो सेल्स लिए गए हैं यहाँ पे पहला जो आपका सेल है वो एक बैक्टीरिया का है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेशन का एक सेल लिया गया है एक सेल का कल्चर करा जा रहा है और ये एक प्लांट का सेल है ठीक है अगर आपके प्लांट में कुछ ऐसे ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जिनके अंदर आप चेंज ला के उस प्लांट को किसी फलाना डिजीज से रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन ट्यूमेफेशन का एक जो सेल है जो उसका न्यूक्लियस है वहाँ से एक प्लाज्मेट लिया उसको कल्चर किया यानी कि उसको कल्चर करके आपने जो यहाँ पे जो डीएनए का प्लांट है ना जिस जिस कोडिंग सीक्वेंस के अंदर आपको चेंज लाना है उसके अंदर आपने बाय द जीन गन या फिर बाय द प्रेशर गन आपने उसको यहाँ पे कल्चर कर लिया और यहाँ पे क्या कल्चर हो रहा है यहाँ पे कल्चर हो रहा है आपका वो डिजायर्ड जीन जो कि आपको टी आई प्लाज्मट यानी कि एग्रो बैक्टीरियम की जो प्लाज्मेट है जो जिसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर आपको शो हो रहे हैं वहाँ से आपने वो ले लिया उसको कल्चर कराया यहाँ पर और यहाँ पे आप क्या कल्चर करा रहे हैं वो प्लांट्स के प्लाज्मेट जिसके अंदर आपको चेंजेस लाने हैं ठीक है थीके? तो अब ये दोनों जो आपने कल्चर करा लिया फिर इसको क्या करेंगे इन दोनों जो डीएनए है इनको इंटीग्रेट करेंगे ठीक है इंटीग्रेट करेंगे साइड जब इंटीग्रेट करके जब आप प्लांट सेल में इसको ट्रांसफर करते हैं यानी जिस प्लांट में आपको वो मॉडिफिकेशन लाना है अगर उस प्लांट को आपको फलाना इंसेक्ट से आपको उसको रेजिस्टेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे आपने इन दोनों कल्चर को जो है वो क्रॉस करा के आप इनके न्यूक्लियस में उसको ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है और जब वो न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र होते हैं उसके बाद क्या होता है आपका सेल मल्टीप्लीकेशन होता है फिर वो सारे सेल्स में आपके वो रेजिस्टेंट फीचर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं ठीक है थीके? और फिर उसे ये जितने भी सेल्स हुए इसको आप इसका जो आगे चल के आप इससे प्लांट जनरेशन होगा सूट रीजनरेशन क्रिएट होती है ठीक है ये तो आपका ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा जब वो सेल डिवाइड हो रहा होगा प्लांट से फिर उसके बाद जो प्लांट डेवलप हो रहा होगा उसके जब वो प्लांट आगे चल के उस स्टेज में आएगा जिस वक्त वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है उस डिजीज या उस पेस्ट से पेस्ट से तो वो क्या होगा वो जब फाइनल शो करेगा तो उसके अंदर नया ट्रेड आपको देखने को मिलेगा यानी कि अब उस प्लांट में उस पर्टिकुलर इंसेक्ट का कोई असर नहीं हो रहा है ठीक है तो अल्टीमेट एम हमारा क्या था हमने इतनी मेहनत क्यों करी थी हमने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करी थी कि हमें जो नया क्रॉप हम ग्रो करें उसके अंदर ये पर्टिकुलर डिजीज या ये पर्टिकुलर इंसेक्ट उनको जो है उससे वो रेजिस्टेंट बना सके या उससे उनको सेंसिटिविटी ना हो कोई आपके ईल्ड पे असर ना हो ठीक है नेक्स्ट आपका हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर मेड ठीक है अब आपने बात कर ली कि भाई हमने हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाना है क्यों बनाना है वो भी आपको पता चल गया एक तरीके से मैंने आपको एक, एक जो इसका सिस्टमैटिक तरीका है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब जरा देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्चुअली में कैसे आपके बनाए जाते हैं तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग डीएनए इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है यानी कि आपको एक डीएनए सैंपल है जिसको आपको किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में यानी कि जेनेटिक सीक्वेंस में आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना है यानी इंसर्ट करना है ठीक है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं हम उसमें बस जो आपको जो डिज़ायर्ड करेक्टर चाहिए उसको आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से आप उसको कट डाउन करके और जिस ऑर्गेनिज्म में आपको वो करेक्टर डालना है उसके डी में आप उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ठीक है थीके? टू प्रोड्यूस अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट न्यू डी एन एज ट्रांसफर्ड इन टू द सेल्स ऑफ दैट प्लांट ठीक है अगर प्लांट की बात करी जाए तो उस प्लांट के सेल में उसको ट्रांसफर करा जाता है द सेल्स आर देन ग्रोन इन टिश्यूकल्चर वेयर दे ट्रांसफॉर्म इन टू प्लांट ठीक है अब जब आपने वो सारे डिजायर्ड जीन उस प्लांट के सेल में या फिर उस प्लांट के न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं तो अब क्या करना है अब उस प्लांट को आप टिश्यू कल्चर के मेथड से आप उसको ग्रो करेंगे ठीक है टिश्यू कल्चर के मेथड से जब आप उसकी बहुत सारी सेपलिंग ग्रो कर लेंगे ठीक तो, तो है तो द सीड प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट विल हैव न्यू अब आपने जो जेनेटिक जो आपका ये कल्चर मेथड से आपने जो प्लांट ग्रो किया है उसकी जब वो जब वो अपने आप को ग्रो करेगा तो उसमें जो सीड प्रोड्यूस होगी यानी उसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे यानी कि उसके अंदर एक नया जीन होगा जब आप उनकी जो जब आप पुराना जिस जब आपने मॉडिफिकेशन नहीं किया था जब आप उस वक्त का जे, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे और मॉडिफिकेशन होने के बाद जब आप जेनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उन दोनों जेनेटिक स्ट्रक्चर्स में आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा और यही डिफरेंस हम चाहते थे क्योंकि तो पुराने जेनेटिक सीक्वेंस की वजह से अगर हमारे बॉडी में कोई भी फीचर है अगर हम सांवले हैं हम छोटे हैं या फिर हमारा कलर डिफरेंट है हमारे आई टेक्सचर डिफरेंट हैं या हमारे हेयर कर्ली बेबी हैं तो इन सब के लिए आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वही रेस्पॉन्सिबल है और अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के या फिर आपके आगे की जनरेशन हो उसमें कुछ चेंजेस हो या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आपको पुराने जो इस वक्त आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एनी हाउ अगर आपके अभी के फीचर्स बेनिफिशियल होंगे तो आप उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे है ना तो जो अभी के हार्मफुल फीचर्स हैं वो आगे की जनरेशन में ना हो इसके लिए ही आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं ठीक है द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंसर्टिंग इज यूजिंग द जीन गन मेथड यानी कि जब आप जो आपका जो डिजायर्ड जेनेटिक कोड होता है वो आप जीनगन से ट्रांसफर कर रहे होते हैं ठीक है उस वो बहुत ही हाई प्रेशराइज प्रेशराइज मेथड से जो जीनगन होता है ये बायोलॉजिकल इक्विपमेंट है जो कि जब आप अपना जो डिज़ायर्ड जीन है वो आपके होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं उस वक्त ये यूज किया जाता है ठीक द अदर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स और इलेक्ट्रोपोरेशन माइक्रो इंजेक्शन एंड एग्रोबैक्टीरियम, ओके okay? तो क्या ये बाकी जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं वो इलेक्ट्रोपोरेशन एक तरीका होता है ठीक है जिसमें आपको दो तरह से आप इलेक्ट्रिक चार्ज आप प्रोड्यूस करते हो और बीच में आपका एक आ, जो कल्चर मीडिया होता है और उसके अंदर से आप क्या करते हैं जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे आ, जो आपके होस्ट डी उसमें ट्रांसफर करते हैं ठीक है माइक्रो इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन तो जनरली आपका जो जिंगल होता है उससे किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है उसके जीन्स जब प्लांट के होस्ट प्लांट के अंदर जाते हैं तो फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्रिएट करते हैं ये तीन मेथड्स हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन विच विच आर लिस्टेड बिलो ठीक है which, which below, तो आपके जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो तीन तरीके से होते हैं मेनली तीन तरीके से आपका जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ठीक है तो क्या है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन यहाँ देखते हैं पहला क्या है ट्रांसजेनिक यानी कि आपका जो मॉडिफिकेशन है वो ट्रांसजेनिक है ट्रांसजेनिक का मतलब द प्लांट हैव जीन्स इंसर्टेड इंटू देम दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम अदर स्पीशीज ट्रांसजेनिक का मतलब यानी कि अगर आप में आपके किसी प्लांट में किसी बैक्टीरिया का जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया ठीक है तो वो आप तो, आपका जेनेटिक मटेरियल तो सेम नहीं ट्रांस मतलब क्या दो डिफरेंट जीन का इनकॉर्पोरेशन मतलब ट्रांसजेनिक ठीक है यानी दो अलग अलग स्पीशीज थे उनको आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया ठीक है तो वो आपका आता है ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन के अंदर सेकेंड आपका आता है सिसजेनिक सिसजेनिक के अंदर क्या आता है प्लांट्स आर मेड यूजिंग जीन्स ऑफ द सेम स्पीशीज और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ओके अब देखिए जो आपके जो सिस्ट जीन्स होते हैं सिस्ट जेनिक जो आपका मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है कि जब आप अपने जब भी आप, आप मान लीजिए आप एक प्लांट का एग्जाम्पल लीजिए उस प्लांट की एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर कुछ डिजायरेबल करेक्ट, कैरेक्टर्स है

तो अब सब जेनिक मॉडिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो अल्टर जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग जीन फ्रॉम अदर प्लांट यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं अभी तक हमने क्या बात करी हमने ये बात करी कि हम कहीं किसी दूसरे स्पीशीज से या किसी दूसरे अपने ही सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट से जीन्स ले रहे हैं लेकिन जो आपका सब होता है ना उसके अंदर आप जो प्लांट का या फिर प्लांट के अंदर जितने भी जेनेटिक मेकअप है उसका जो चेंज करेंगे उसके जो अल्टरेशन बिना किसी फॉरेन जीन के इंसर्शन के करेंगे ठीक है उसमें आप कोई भी फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं करेंगे उसके अपने जीन की स्टडी की जाती है और उसको मॉडिफाई किया जाता है ओके होप ऑल दिस पॉइंट आर क्लियर टू यू मूविंग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है वट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ओके तो आप ये बोल रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं अब तक तो आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा ठीक है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है तो पहले तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है वो हम बात करते हैं अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने जितनी ज़्यादा रिसर्च करी है वो आपके प्लांट स्पीशीज पे ही करी है क्योंकि उससे ही सबसे ज्यादा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट है ओके तो यहां देखिए क्या कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दे आर दैट टाइप ऑफ प्लांट हुज डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर एम्बेडिंग अ न्यू ट्रेट टू प्लांट विच डज नॉट अकर नेचुरली इन स्पीशीज तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपके प्लांट में वो जो रेक्टर है वो नेचुरली नहीं आपको दिख रहा है ठीक है हो सकता है वो एक फेज में जाके डॉमेंट हो जा रहा है हो सकता है उस पर पेस्ट अटैक हो जा रहा है या हो सकता है वो बहुत ज्यादा है सर्टन टाइप ऑफ फंगस है टेम्परेचर से ठीक है तो वो जो चीज है वो नेचुरली उस प्लांट में प्रेजेंट नहीं है लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके आप उसके अंदर जो है उसकी जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन करेंगे मॉडिफिकेशन टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट प्लांट ओके दैट इज Genetically modified crop. Genetic engineering aims to transcend the genus barrier by introducing an alien gene in the seed to get the desired effect, and the alien gene could be a plant, an animal, or even a soil bacterium. Okay. A देखिए जब आप ये बात कर रहे होते तो जब मैं आपको यह समझा रही तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही माइन्यूट प्रोसेस है ठीक है अब जब ये जो बहुत बड़ी समस्या थी एक समय पर बहुत बड़ी समस्या थी कि हम अपने प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे उस वक्त जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमें यह सोचना था कि हम इस प्लांट के अंदर अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स डालेंगे कैसे तो वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो आप अपने सीड के अंदर एलिय

एनिमल का भी हो सकता है या सॉयल बैक्टीरियम का भी हो सकता है ओके नेक्स्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जीएम वेरिएंट्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट्स ऑफ मेज कनोला एंड सोयाबीन एक्सेट्रा आर अवेलेबल ठीक है जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको मेज सोयाबीन कनोला इन सबकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज है वो आपको देखने को मिलेंगी ओके okay? तब यहां पे आप जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट फर्स्ट कमर्शियली ग्रोन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था वो क्या था कमर्शियली ग्रोन का मतलब ये कमर्शियली इसको आपने मॉडिफाई किया था और सबसे ज्यादा अमाउंट में ये थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ वो क्या था आपका टोमेटो ठीक है वो था आपका टोमेटो जो फर्स्ट कॉमर्शियली ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था या क्रॉप था वो क्या था टोमेटो जिसको हम क्या कहते हैं फ्लावर्स फ्लावर ठीक है फ्लावर्स फ्लावर जो था वो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप था जिसके जो सबसे ज्यादा कॉमर्शियली आपका प्रोपगेट हुआ था ठीक है मॉडिफाइड टू राइपनिंग विदाउट सॉफ्टनिंग बाय द कैलिफोर्नियल कंपनी कैलजीन कैलिफोर्निया की एक कंपनी है कैलजीन जिसने एक टोमेटो ग्रो किया था जिसको आप राइप कर सकते हैं बिना उसको सॉफ्ट किए देखिए जो आपके जो टोमेटो होते हैं जब वो ज़्यादा पक जाते हैं ठीक है उसमें राइपनिंग ज़्यादा हो जाती है तो क्या वो सॉफ्टन हो जाते हैं बहुत ठीक है और वो ज़्यादा उनकी जो आपका वो पेरिशेबिलिटी ज़्यादा दिखने को मिलती है उन उन टोमेटोज के अंदर बहुत लंबे टाइम तक क्योंकि एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर तो जो ये फ्लावर्स फ्लावर था ठीक है ये मॉडिफाइड आपका टोमेटो था जो कि आपका राइपन होता था पर बहुत ही मतलब वो सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर में नहीं हो पाता ठीक है वो टाइट उसका जो स्ट्रक्चर था वो टाइट स्ट्रक्चर था उसके अंदर फ्लैशी आपको जो पेरिकार पे वो देखने को मिलेगा ठीक है इन टू द एक्यूमुलेटेड बायोटेक क्रॉप कॉल्ड दूमुलेटेड बायोटेक क्रॉप एरिया प्लांटेड since सिक्स इंक्रीज टू आर रिकॉर्ड टू पॉइंट थ्री बिलियन हैक्टेयर टू फाइव पॉइंट एट बिलियन है जीएम क्रॉप इन द इन टू थाउजेंड सेवेंटीन ठीक है तो अब ये क्या हो रहा है जो आपका ये जो जो आपका टोमेटो के अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया तो यहाँ ये देखा गया कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका कितना इंक्रीज हो जा रहा है ठीक है वो आप देखिए वो 2.3 बिलियन हेक्टेयर से 5.8 बिलियन एकर्स तक हेक्टेयर से एकर्स तक आपका जो है ये आपका जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था ठीक है द टॉप फाइव कंट्रीज ईच ऑफ विच ग्रू ओवर वन मिलियन हेक्टेयर इन टू वाज लेड बाई यूएसए फॉलोड बाई ब्राजील अर्जेंटीना कनाडा एंड इंडिया ठीक है तो जो आपकी पांच कंट्रीज थी जो कि आपका एक मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही थी टोमेटो का उसमें क्या कौन कौन सी कंट्रीज थी पहले तो आपका यूएसए था यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्शन हुआ था ठीक है और उसके बाद आपका ब्राजील अर्जेंटीना कनाडा और इंडिया ये पांच कंट्रीज थी जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला था ओके नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है कि जेंटिकली जेंटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया अगर आप इंडिया के अंदर बात कर अगर आप इंडिया के अंदर होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ओके आई चेक द कमेंट्स गुड आफ्टरनून विपिन सर महाराष्ट्र वाले आर दे सकते हैं क्या विल इन्फॉर्म ऑल दिस आफ्टर दिस वीडियो ओके आपके जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के बाद आपको कवर कर दिए जाएंगे ओके सो विल स्टार्ट दिस टॉपिक जो क्या है आपका जीएम क्रॉप्स इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं वो हम अब, अब हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो उसमें आप देखेंगे कि आपका आ, पहला है बीटी कॉटन ठीक है बीटी कॉटन द ओनली जेनटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया सिंस 2002 2002 के बाद देखिए जब आप किसी भी आ, प्लांट के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं तो उस पर वेरियस चीज़ें अराइज होती है लेकिन जो बीटी कॉटन है ना उसको एक इंडिया में आप फ्रीली कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं आप टू के बाद आप देखेंगे कि ये जो क्रॉप है ये वन एंड ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो आपको ज्यादा एरिया में आपको ग्रो किया हुआ देखने को मिलेगी ठीक है हैज़ टू एलियन जीन्स फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बेसिलसुरजनेसिस बीटी दैट अलाउज द क्रॉप टू डेवलप अ प्रोटीन टॉक्सिक टू द कॉमन पेस्ट पिंक बॉल अब आपने जब एंटोमोलॉजी अगर आपने एंटोमोलॉजी पढ़ी होगी तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बता दे उनको भी मैं बता देती हूँ कि जो पिंक वॉल बॉलवाम होता है ठीक है तो वो क्या करता है वो जो आपका जो कॉटन का जो फ्रूट होता है उसके अंदर एक होल क्रिएट करता है एक बोर दे आर दॉट बोरर्स ओके पॉट बोरर्स होते हैं ये हेलिकोवर्पा हल, आपको देख हेलिकोवर्पा आर्मी गिरा, ये ये जो होते हैं ये बॉलवॉर्म्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे ये क्या करते हैं ये आपका जो उसका सीड है ना जिसके अंदर से आपका ये जो फाइबर्स है वो क्रिएट हो फाइबर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो जो आपका बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था जिस जो थ्रू uh, बैसिलस जो कि एक, एक बैक्टीरिया है इसके थ्रू ये जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था आपका क्रॉप प्लांट जो कि एक प्रोटीन टॉक्सिन क्रिएट करता था इसके अगेंस्ट ओके एंड एंड द अदर इज एस टी बी टी कॉटन विच इज डेराइव्ड which allows the plant टू रेजिस्ट द कॉमन herbicide glyphosate. ओके okay? तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें आप उसको या तो अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं या फिर उसको अंदर एक रेजिस्टेंट जीन प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं ठीक है थीके? जो आपका जो बॉट बी कॉटन है इसके अंदर क्या था जब इसके अंदर बेसलिस बैक्टीरियम को यूज करके जो प्रोटीन क्राइव वन ए सी एक प्रोटीन है इसके अंदर जनरेट होता है मैं आगे आपको बताऊंगी ठीक है तो ये बैक्टीरियम क्या करता था कि एक टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता था जब भी आपके पिंक वॉलवॉर्म आपके क्रॉम पे क्रॉप पर इंफेस्टेशन करते थे तो उस वक्त ये टॉक्सिन रिलीज होते थे और जैसे ही ये उनके गट में जाता था वो उस बॉल को मार देता था इससे क्या होता था कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होती थी देखिए जो भी आपके पेस्ट हैं वो आपके तीन लेवल्स पर आपके प्लांट पे सबसे ज्यादा असर करेंगे ठीक है जब आपका इकोनॉमिक थ्रेश लेवल होता है उससे ज़्यादा अगर आपके क्रॉप में आपके क्रॉप में इंसेक्ट्स प्रेजेंट है तब वो क्रॉप में आपके इंजरी करेगी और अगर वो एक इंजरी रहे कि ई आई एल लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं तब वो आपकी क्रॉप को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं ठीक है तो जो वो आपका जो ई टी एल या ई आई एल है वो कितने जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो आपके प्लांट पे इंफेस्टेशन कर रहे हैं उस पर निर्धारित होता है ठीक है तो जो आपके जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये तो बात हो गई बीटी कॉटन की जो एसटी कॉटन है और बीटी कॉटन है ये भी ये ये अलग और बीटी कॉटन के अंदर आपका जो है मॉडिफिकेशन किया गया था और इसमें क्या होता था कि आपका जो प्लांट है ना वो ग्लाइफोसाइड से ग्लाइफोसाइड हर्बिसाइड जो होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है इससे क्या होता था कि ये तो वीड्स को तो मारता ही था उसके अलावा ये आपके जो क्रॉप प्लांट्स है मेन प्लांट है उसको भी उसके कुछ टॉक्सिंस होते थे उस केमिकल्स जो आपके क्रॉप प्लांट को भी हार्म पहुंचाते थे ठीक है तो ये जो है ये इससे भी आपके प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा था ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है इन बीटी ब्रिंजल जीन परमिट्स द प्लांट टू रेजिस्ट अटैक ऑफ फ्रूट एंड शूट बोरर्स यानी कि जो आपका बीटी ब्रिंजल है वो जो आपके फ्रूट शूट बोरर आपने देखे होंगे जो मैंगन होते हैं उसमें आपको होल्स दिखाई देते हैं ठीक है और वो जो होल्स क्रिएट करता है वो इंसेक्ट से अपने प्लांट को बचाने के लिए जो बीटी ब्रिंजल है उसको हमने उसको बनाया गया था हालांकि आगे चल के इसको इसको इसका प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया गया है ठीक है ड्यू टू समिकल रीजन बी टी ब्रिंजल को आगे अब ग्रो नहीं किया जाता है ठीक है लेकिन जब ये बीटी टी ब्रिंजल बनाया गया था तो ये इसी आपके इनिशिएटिव से बनाया गया था यही इंटेंशन था बनाने का जो आपके जो ब्रिंजल की जो ईल्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी है उस पर असर होता किससे असर हो रहा था इन शूट और पोर्ट बोरर्स की वजह से ठीक है तो इसलिए वो आपका बीटी ब्रिंजल प्रोड्यूस किया गया था नेक्स्ट प्रीवियसली द गवर्नमेंट हैज पुट ऑन होल्ड द कमर्शियल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड ड्यू टू द स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम एंटीजीएम एक्टिविटीज एंड एनजीओ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बीटी ब्रिंजल भी बाद में रोक दिया गया था और जो आपका मस्टर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है वो भी रोक दिया गया था देखिए जब आ, जब आ, कोई भी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहीं पे भी इंप्लीमेंट होता है तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है जब भी आप कोई नई चीज़ कभी भी कहीं पे इंस्टॉल करेंगे तो आप वेरियस फैक्टर्स जो है उन पर असर करते हैं ठीक है तो बी टी ब्रिंजल भी एक टाइम के बाद जो है वो बैन हो गया था और जो जी एम है वो भी आपके बैन कर दिए गए थे बिकॉज जो कुछ एंटी जीएम एक्टिविस्ट जो कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि, कि किसी भी प्लांट के अंदर आप उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो वो नॉन जीएम एक्टिविस्ट होते हैं और कुछ एन होती हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट नहीं करती है और इनके हाई रेस्ट्रिक्शन की वजह से ही जो आपका जीएम मस्टर्ड है और जीएम जो बीटी ब्रिंजल है इसको आगे इनका जो है प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था ओके okay? नेक्स्ट नेक्स्ट वील टेक द टॉपिक द लीगल पोजिशन ऑफ हाँ दैक्स्टिंग लीगल पोजिशन ऑफ जेनटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया ठीक है तो uh, अब हम बात करते हैं कि लीगल पोजिशन क्या है जेनटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया के अंदर ठीक है तो लीगल पोजिशन का मतलब क्या है जो जो आपके uh, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपको अथॉरिटी दें आपके uh, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए और उन प्लांट्स को प्रोडक्शन उन प्लांट का प्रोडक्शन और उनको बाहर रिलीज करने के लिए ठीक है तो पहला क्या है इन इंडिया द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जी ई इज द एपेक्स बॉडी दैट अलाउस फॉर कमर्शियल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड वर्क्स अंडर अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके तो फुल फॉर्म ऑफ दिस इज रिटर्न हि तो जो आपका एपेक्स एपेक्स मतलब हेड जो टॉप आपकी जो मिनिस्ट्री है वो आप ये बॉडी जो टॉप बॉडी यानी कि यही आपका जो है कंट्रोल करती रेगुलेट करती कि कौन सा आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या ऑर्गेनिज्म है वो बाहर रिलीज किया जाएगा या नहीं और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंदर आता है ओके नेक्स्ट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफार्डस माइक्रो ऑर्गैनिज्म एंड रिकम्बनेट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द फ्रॉम द इन्वामेंटल एंगल ठीक है अब देखिए जब बात होती है कि हम किसी भी प्लांट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हम वेरियस बैक्टीरियाज को यूज कर रहे होते हैं वेरियस जीन्स को यूज़ करते हैं बहुत सारे क्रॉप्स को यूज कर रहे होते हैं तो वो जो वो जो क्रॉप है जरूरी है कि वो उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि आपके डिजायर के होंगे लेकिन सारे फीचर्स तो नहीं हो सकते उसमें कुछ हजारडज फीचर्स भी होंगे तो इसीलिए ये जो टी ये जो आपकी बॉडी है जी ई ए सी जो बॉडी है आपकी यही आपका जो है उसको अप्रेजल देती है कि आप उस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम है रिकॉम्बिनेंट्स है उनका ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये मॉनिटर करती है कि उनके उनकी वजह से कोई भी हज़ारस इफ़ेक्ट आपके इन्वायरमेंट के ऊपर ना देखने को मिले इन्वायरमेंट का तात्पर्य यह है इन्वायरमेंट environment से मतलब यह है कि उनके आसपास के लिविंग बींग्स आसपास के प्लांट आसपास के इंडस्ट्री में कोई जो हजार इफेक्ट देखने को ना मिले ठीक है द कमिटी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रेजल ऑफ प्रपोजल्स रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स इन टू द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स ठीक है अब देखिए ये जो कमिटी है यही आपको अप्रूव करती है देखिए जब भी आप कुछ भी करने जाते हैं तो आपको किसी ना किसी का अप्रूवल चाहिए होता है तभी आप लीगली कोई काम कर सकते हैं लीगली कोई भी काम करने के लिए ये जो बॉडी है आपकी जी एस सी यही आपको अप्रूवल देती है किस चीज़ के लिए कि आप कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को फील्ड ट्रायल पे ले सके फील्ड ट्रायल का मतलब क्या है उसको ओपन एनवाइ में रिलीज करके देख सके कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है तो ये बॉडी ही आपको उसका जो है अप्रेजल देती है यानी अप्रूवल देती है कि आप ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है इनको आप इनवायरमेंट में एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स के लिए रिलीज कर सकते हैं ओके यूज ऑफ द अनअप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरियंट कैन अटैक जेल टर्म ऑफ फाइव ईयर्स एंड अ फाइन ऑफ वन लैक्स अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी नाइन अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है आपके लिए ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछा जा सकता है ठीक है ये देखिए जब इतनी सारी बातें आपको बता दी गई कि एक बॉडी है जो आपको अप्रूवल देती है तो जब ये अप्रूवल दे रही है तो ये अप्रूवल क्यों रिक्वायरमेंट है ताकि आप इीगली कोई काम ना करें अगर आपने इलीगली बिना किसी अप्रेजल के अगर आपने कोई भी जो आपकी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी है आपने रिलीज कर दी तो आपको जो है वो इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल जाना पड़ सकता है पाँच साल के लिए और एक लाख तक की जो है आपको फाइन जमा करनी होगी और ये जो है ये जो आपका इम्प्रजनमेंट है यानी ये जो पेनल्टी है वो किसके अंडर आई ये किसके अंडर आपको दिया जाएगा तो ये आपका इन्वामेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर ये बताया गया था कि आप कोई भी अगर अन अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बाहर रिलीज़ करते हैं तो आपको इतना ये जो फाइव इयर्स का uh, कि जब भी आपका uh, जो पिंक में इस वॉल्वम अटैक करता इसके अंदर से एक प्रोटीन टॉक्सिन निकलता जिससे आपका जो uh, जो पिंक वॉल्व कि खत्म हो जाते, है, हो जाते है, मर जाते हैं और इससे आपका प्लांट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता ठीक है तो आपका जो इं, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है वो प्रोटेक्ट हो जाता है ठीक है ऑन द अदर हैंड विटन इज डिराइव इंसर्शन ऑफ

यानी कि देखिए जो आपका बीटी कॉटन है ये किसके थ्रू रिलीज किया गया था आप देखिए इतना बड़ा चेंज है तो ये किसी किसी एजेंसी ने तो किया होगा तो जो आपकी महाराष्ट्र की एक हाइब्रिड सीड कंपनी है माइको और यूएस बेस्ड एक सीड कंपनी है मॉनसेंटो इन दोनों ने मिल ही आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बी कॉटन जो है वो रिलीज किया था ओके In 2002, the uh, 2002, BT cotton became the first एंड ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप अप्रूव्ड बाई जी ई ए सी जो मैंने अभी आपको बताया जो एपेक्स बॉडी जो अप्रूवल देती है फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन सिक्स स्टेट्स मेनली आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ठीक है तो जो आपका जी ई ए सी है जो आपकी अपेक्स बॉडी है इसने इसको अप्रूवल दिया था ये पहली वो क्रॉप पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप थी जिसको इंडिया में अप्रूवल दिया गया ताकि वो प्रोड्यूस उसका प्रोडक्शन किया जा सके और मेनली सिक्स स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन किया गया था वो सिक्स स्टेट्स थे आपके आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल ओके अगली क्रॉप के बारे में हम डील करेंगे तो अगली क्रॉप क्या है अगली क्रॉप है आपका डीएमएच लेवन मस्टर्ड ओके आपका एक डाउट है अंकुर चौहान जी आपकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती रहेंगी आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की वीडियोस मिलती रहे ओके तो यहां पे देखिए क्या है डीएमएच लेवन मस्टर्ड के बारे में आपको बताती हूं तो डीएमएच थ मास्टर क्या है डेवलप्ड बाय दीपक पंथल एंड कलीग्स तो जो साइंटिस्ट थे दीपक पंथल और उनके कलीग्स यानी उनके फेलोमेट्स इन कॉलेज इन साउथ कैंपस ऑफ द दूनिवर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ यानी कि डेली यूनिवर्सिटी का जो आप के कैंपस के अंदर आपके जो दीपक uh, दीपक पंथल और उनके कलीग्स ने एक जैनटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यानी कि डीएमएच 11 मस्टर्ड जो है वो डेवलप करी थी ठीक है genetic modification allows cross pollination in crop that self that self pollinates in nature okay अब देखिए ये इसमें कौन ये जो आपका डी एम एच इलेवन मस्टर्ड है इसका फीचर क्या था इसका फीचर ये था कि अगर आप ये जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है बट इसके अंदर आप क्रॉस पॉलिनेशन भी देख सकें या इसके अंदर आप क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकें ये फीचर आपका इन दोनों ये जो दीपक पेंथल और उनके कलीग से मिलकर इस डी एम एच इलेवन मस्टर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था ठीक है दिस सिस्टम was यूज टू डेवलप DMH11 एम क्रॉसिंग अ वेरी पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड वरुणा ठीक है विथ एन ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा टू म्यूटेंट वरायटी दो वराइटी का आपका इसमें आपने क्रॉस किया था और क्रॉस से आपने हाइब्रिड प्रोड्यूस करी थी जो था आपका डीएमएच इलेवन ठीक है जो जो आपका DMH 11 है, वो दो वरा दो uh, वह दो वरायटीज को क्रॉस करके बनी गई थी यानी कि आप एक, आपकी एक इंडियन वैरायटी थी वरुणा और एक यूरोपियन वैरायटी थी अर्ली हीरा ठीक है इन दोनों का के म्यूटेंट्स इन दोनों का क्रॉस करके एक म्यूटेंट वैरायटी आपकी क्रिएट हुई थी जिसको आप कहते हैं डीएमएच एम इलेवन ठीक है इट क्लेम टू हैव शोन एन एवरेज ट्वेंटी एट इंक्रीज ओवर वरुणा इन द कंटेंट कंटेंट फील्ड ट्रायल्स कैरिड आउट बाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आई के द्वारा एक आपका फील्ड ट्रायल कंडक्ट किया गया ये चेक करने के लिए कि ये जो आपने जेनेटिकली मॉडिफाई करा है ये जो आपने दोनों के इन दोनों आपके इंडियन वैरायटी और यूरोपियन वैरायटी के अंदर जो आपने क्रॉस क्रिएट करके जो वैरायटी प्रोड्यूस की है वो इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट वरायटी थी वरुणा उससे ज्यादा ईल्ड है उससे उस, उस पर कुछ इफेक्टिव वैल्यू है या नहीं है ठीक है तो ये देखा गया कि 28 परसेंट ज्यादा ईल्ड आपको देखने को मिली थी वरुणा के कंपेयर में इसीलिए इसको अप्रूव कर दिया गया था ठीक है इसलिए इसको अप्रूव किया गया था कि जो इन दोनों का जो म्यूटेंट था इन दोनों के क्रॉस के बाद जो म्यूटेंट निकला था वो आपके फील्ड ट्रायल के अंदर देखा गया कि अट्ठाइस ज्यादा आपको प्रोडक्शन या इल्ड दे रहा है ठीक है ज कंपेयर टू वरुणा क्योंकि वरुण तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर प्रेजेंट थी है ना अगर हम इसको इंडिया में ग्रो करते हैं तो इसलिए आपको जो वरुणा वराइटी ट्वेंटी एट परसेंट ज्यादा आपको देखने को मिलेगी ठीक है यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है द साइंस बिहाइंड डीएमएच इलेवन हाँ ठीक है जो आपका डीएमएच इलेवन है उसके पीछे का जो साइंस है उसके बारे में हम आपको बताते हैं ठीक है टू क्रिएट धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इलेवन अब डीएमएस का फुल फॉर्म है आपका धारा मस्टर्ड हाइब्रिड ठीक है इलेवन द टीम इम्प्रोवाइज इन नाइनटीन ब्रीडिंग इनोवेशन इन बेल्जियम कॉल द बारनेस और बास्टर मेल चैरिलिटी टेक्निक ठीक है तो ये जो आपकी जो इम्प्रूवमेंट कराई गई थी किस पे बेस्ड थी बेल्जियम के अंदर एक आपका uh, एक ब्रीडिंग इनोवेशन था जो कि आपका बेस था बार्नेस और बास्टर मेल सेलिटी टेक्निक के ऊपर ठीक है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मेल फर्टिलिटी इन वन पैरेंट एंड रिस्टोरिंग इन इट इन इट्स ऑफ ठीक है यानी कि ये किस पे बेस था कि जो आपका मेल जो मेल फर्टिलिटी है ठीक है उसको आप रिमूव कर देते हैं देखिए सेल्फ पॉलिनेटेड है अगर तो उसके अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों ही देखने को मिलेगा तो इसमें यह कहा गया था कि अगर आपको इन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर अगर आपको क्रॉस क्रॉस पॉल्यूशन कराना है तो इससे क्या करना है आपको कि आपकी जो जो मेल फर्टिलिटी है उसको आपको जो है वो रिमूव करना है और उसके ऑप्सप्रिंग्स के अंदर उसको ट्रांसफर करना है इससे क्या होगा आपके जो होगा आ, आपके जो प्लांट है उसमें आप क्रॉस पोलिनेशन देखने को देखने को मिलेगा ठीक है पोलन फ्री पेरेंट और पोलन प्रोड्यूसिंग पेरेंट यानी कि फीमेल और यहाँ पे मेल है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे क्या है कि स्टिग्मा स्टाइल एंथर है यहाँ से आपको आपने देखा कि ये यह आर एन यहाँ से आपने एक जीन इकट्ठा किया ठीक है ये आपका इंडियन इंडिया का जो मस्टर्ड था वरुणा और इस यहाँ पे आपका जो यूर, यूरोपियन मस्टर्ड था ठीक है वो उन दोनों के अंदर से आपने एक एफ वन हाइब्रिड प्रोड्यूस किया ठीक है और इस F1 हाइब्रिड के अंदर आपने क्या देखा अब इस मेल प्लांट के अंदर से जो आपकी मेल फर्टिलिटी है उसको रिमूव कर दिया गया था पर जो दूसरे बार में आपने देखा जो नेक्स्ट जनरेशन में आपका ग्रो हुआ इसके अंदर ये जो मेल फर्टिलिटी थी वो रिस्टोर हुई और यही आगे चल के आपका क्रॉस पोलिनेशन कराने में हेल्प कर रहा था और इसी की वजह से आपकी जो ईल्ड है वो ट्वेंटी इंक्रीज हुई थी ओके वीडियो हो रहा है पानी बाहर है आया सो वी हैव डिस्कस लॉट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के क्रॉप्स तो अब हम बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के एडवांटेजेस क्या है और उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में ठीक है एनीथिंग अकर्स इन दिस वर्ल्ड हैज़ प्रोज एंड कॉन्स ठीक है प्रोज का मतलब बेनिफिट एंड कॉन्स का मतलब जो उनका डिमेरिट्स है ठीक है तो दोनों आपको देखना चाहिए दोनों आपको जानना ज़रूरी है तो आपका देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो इट इम्प्रूव्स प्रोडक्शन एंड रेजेस द फार्म्स इनकम ठीक है फार्मर्स का फार्मर्स का इनकम जो होगा वो इंक्रीज होगा अब ये देखिए अगर आपकी क्रॉप खराब नहीं होगी तो आपको इल्ड ज्यादा मिलेगी एल्ड ज्यादा मिलेगी तो आपका प्रॉफिट का ज्यादा होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फार्मर्स की इनकम जनरेट होती रहेगी ठीक है नेक्स्ट इट रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ड्यूरिंग फार्मिंग दैट माइट बी ग्रेड जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं प्लांट को तो आपको अब उस प्लांट को उस इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं है तो वो उसका जो यूज है जो आपको उसके अंदर जो आप इंसेक्टिसाइड यूज हो उसको कहीं ना कहीं आप रिड्यूस कर रहे हैं इट कैन फीड अ रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बिकॉज इट शोज ड्रामेटिकली इंक्रीज इल्ड ओके तो ये ड्रामेटिकली इंक्रीज ईल्ड मेनलील्ड प्रोडक्टिविटी और आपके प्लांट में इंसेक्टिसाइड और फंगस इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड के यूज को रिड्यूस करने का ही काम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मेजर एडवांटेज था इट प्रोड्यूस मोर इन स्मॉल एरिया ऑफ लैंड ठीक है अब क्या है कि इंडिया में जो मेजर ऑफ़ द फार्मर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड तो है नहीं हाई लार्ज फार्मर्स कम हैं और मार्जिनल फार्मर या सब मार्जिनल फार्मर्स आपके ज़्यादा हैं तो जो उनका छोटा सा लैंड है उसके अंदर वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके इसलिए उनको चेंटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में तो डिसएडवांटेजेस क्या है द प्रोडक्शन इंपोजे हाई रिस्क टू द डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम जेनेटिक फ्रॉम इंजीनियर जीन कैन रिजल्ट इन फेवरिंग इन फेवरिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ठीक है तो so, जो है मैंने आपको पहले बताया कि जब आप किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी जेनेटिक मेकअप कर रहे हैं ठीक है तो वो उस पर्टिकुलर प्लांट के तो बेनिफिशियल है बट वॉट अबाउट द इन्वामेंट रिलेटेड टू दैट एनी प्लांट और एनी ह्यूमन इफ दे आर सरवाइविंग इन दिस अर्थ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर तो जनरली क्या होता है क्यों हमारे जो मस्टर्ड थे या बीटी टी ब्रिंजल थे उनको बैन कर दिया है कहीं ना कहीं देखा गया कि उनके वजह से जो उनके साथ के अलॉन्ग साइड कंपेनियन क्रॉप्स थे या कोई अगर कैटल उसमें फीड कर दो उनके लिए वो हजार्डस थे ठीक है hence it is eventually disrupt the natural process of gene flow okay next it increases the cost of cultivation and is more inclined towards the market as marketization of farming that works on immoral profit Take care. तो जो आप जब देखिए आप जेनेटिकली मॉडिफाइड आप क्रॉप का सीड लेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो आपके नेचुरल ट्रेडिशनली यूज्ड सीड से ज़्यादा कॉस्ट करेगी तो कहीं एक एडवांटेज ये है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इमोरल प्रॉफिट की बात क्या कही गई है कि जब आपके पास देखिए जब आपके पास पैसे हैं कहीं इन्वेस्ट करने के लिए तभी तो आप वहां से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे तो देखिए जब फार्मर्स के पास ऑलरेडी उतने पैसे नहीं होंगे या उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट जो है वो उतना नहीं दिखेगा उसको ठीक है मतलब ज्यादा एक उतना इफेक्टिव प्रॉफिट दिल नॉट गेट एन इफेक्टिव प्रॉफिट ओके द द्रांसजेंडिक क्रॉप इनडेंजर्ड नॉट ओनली फार्मर्स बट ऑल्सो द ट्रेड एंड द इनवाइ एज वेल ठीक है तो जो आपके ट्रांसनिंग क्रॉप है वो सिर्फ फार्मर्स को नहीं बल्कि इन्वायरमेंट और ट्रेड को भी इफेक्ट करते हैं इनएडिक्एटली सेफ्टी असिस्मेंट द करेंट सेफ्टी असिमेंट आर इन एडिकुएट टू टू कैच मोस्ट ऑफ द हार्मुल इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स मोर ओवर the regulatory regime in india about the genetically modified crops has never been assessed thoroughly about the genetically modified risk assessment in the indian condition theek hai to ab yahan pe ek baat kahi gayi hai कि जो हमारा genetically modified crop है जो हम उसको use कर रहे हैं तो अब तक India के जितने भी authority हैं उन्होंने ज़्यादा अपना जो है impact नहीं दिया है उसके अंदर कि वो उसका जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्रिएट कर करें ठीक है या उसके उसका एसेस कर सके कि उसका जो हां है वो कितना ज्यादा है ठीक है तो कहीं ना कहीं एक आपको कमी देखने को मिलती है अगर आप कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आपने लगाया है तो उसका रेगुलरली एक थोड़ो आपका जो रेगुलेटरी चेक का होना चाहिए ठीक है ताकि आपको पता चल सके कि इसका जो इफेक्ट है वो कितना ज्यादा है आपके एनवामेंट और रिलेटिव जो आपके प्लांट्स एनिमल्स हैं उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं ये कम देखने को मिलता है ये एक डिसएडवांटेज है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का ओके okay? यहाँ पे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो ख़त्म होता है इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या है

और ओवर नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस ओके तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल क्या होता है ठीक है तो जो आपका एनिमल है वो भी आपके प्लांट की तरह बिल्कुल है उसके अंदर क्या होता है एक फॉरेन जीन जो है आप उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं और उसके थ्रू उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा जितना नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स में अगर आप बात करें तो नाइन्टी फाइव परसेंट जो है वो माउसेज है यानी सबसे ज़्यादा माउस को ही ट्रांस थी, थी, ट्रांस अ, जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तरह प्रोड्यूस किया गया यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा किस में देखा गया आपके माउस के अंदर ठीक है हालांकि आपके जो रैट्स रैबिट्स पिग्स काउ फिशेस हैं ये भी जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए थे लेकिन 95% ऑफ ऑल द जेनेटिकली मॉडिफाइड वो क्या है रैट्स रैट्स हैं ठीक है है कि ऑफ जो जो माइस माइस मतलब माउस ये वो है ठीक है अब हम बात करते हैं कि भाई अब जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया उसका प्रोसेस क्या है तो उसका जो प्रोसेस है वो है आपका ट्रांसजेनेसिस ठीक है यहाँ ध्यान दीजिए कि ट्रांसजेनेसिस जो वर्ड है उसका मतलब क्या है तो ट्रांसजेनेसिस इज द फेनोमेना फॉर जीन विध डिजायरेक्ट्रिस्टिक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द जीनोम ऑफ द टारगेट एनिमल ठीक है तो यही वो मैथड है जिसके थ्रू आप अगर इस मेथड को आप एक टर्म देना चाहें तो वो टर्म होगा ट्रांसजेनेसिस ओके okay? एग्जाम में आपसे में भी एक लाइन दे दे और आपको चार ऑप्शन दे दे उसमें ट्रांसजेंस भी एक ऑप्शन रहे ठीक है तो अभी आप ये समझ लीजिए ट्रांसजेंस होता क्या है ठीक है तो ट्रांसजेंस वो मेथड है जिसके थ्रू आप अपने होस्ट एनिमल के अंदर आपका जो डी है उसको इनकॉर्पोरेट या इंसर्ट कर रहे होते हैं द फॉरन जीन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इज नोन एज द ट्रांसजीन एंडिमल्टरिक यानी कि जिस एनिमल के जीन को आप इंसर्ट कर रहे हैं उसको आप ट्रांसजीन कहते हैं और जिसके अंदर अल्ट्रेशन हुई है उसको आप ट्रांसजेनिक कहते हैं ठीक है दीज जीन्स आर पास ऑन टू द सक्सेसिव जेनरेशन और ये जो जीन्स है वो आपके सक्सेसिव जेनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं यानी जितनी बार उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे ओके okay? अब हम बात करते हैं कि आपके जो ट्रांसजेनिक uh, एनिमल्स है वो कैसे प्रोड्यूस हुए थे ठीक है तो जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स है दे आर क्रिएटेड बाई फॉलोइंग मेथड्स फॉलोइंग मेथड से आपके जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो बनाए गए थे ठीक है तो आपका पहला क्या है फिजिकल ट्रांसफेक्शन फर्स्ट मेथड इज फिजिकल ट्रांसफेक्शन इन दिस मेथड द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इंजेक्टेड इन टू द प्रो न्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज ओवन ठीक है इट इज द वेरी फर्स्ट मेथड दैट प्रूव टू बी इफेक्टिव इन मैमल्स ये ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है कि जो आपका फिजिकल ट्रांसफेक्शन है ये जो आपका फर्टिलाइज ओवम है इसके अंदर डायरेक्टली आपका जो डिजायर जीन है उसको इनकॉर्पोरेट किया किया जाए ठीक है और ये जो है ये जो आपका सबसे पहला मेथड जब आप आप किसी भी मैमल्स के अंदर ठीक है आप जब इन एनिमल्स के अंदर जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वेरियस किंगडम आपको देखने को मिलता है ठीक है मैमल्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन किया गया था उसमें जो सबसे पहला मेथड था वो फिजिकल ट्रांसफ्रक्शन मेथड ही था ओके आगे दिस मेथड वॉज एप्लीकेबल टू अ वाइड वराइटी ऑफ स्पीशीज अदर मेथड ऑफ फिजिकल ट्रांसफ्रक्शन इंक्लूड्स पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट अल्ट्रासाउंड एंड इलेक्ट्रोपोरेशन ठीक है तो ये जो आपका पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट अल्ट्रासाउंड एंड इलेक्ट्रोपोरेशन है ये भी आपके फिजिकल ट्रांसफेक्शन के ही अदर मेथड हैं ओके होप दिस पॉइंट इज क्लियर जिन भी स्टूडेंट को ये डाउट है कि आपको इसकी पी डी एफ कहाँ मिलेगी या आपके क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे तो जितनी भी यूट्यूब पे आपकी क्लासेस अपलोड होती हैं वो सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं तो आपको जो अब जब आप, आप, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का जब आप कोर्स परचेज करेंगे उसके अंदर ये सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे ठीक है जो यूट्यूब पे क्लास नोट्स हैं वो भी आपकी ई बुक्स भी जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताया वो सारे आपको उसी कोर्स में अवेलेबल है इतने मिनिमल कॉस्ट पे आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो जितने भी पी डी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आपके सारे स्टडी मटेरियल टाइमली वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं कोर्स जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स है उसके अंदर आपको सारे जो आपके पी डी एफ्स हैं वहाँ अवेलेबल हैं ओके होप द पॉइंट इज क्लियर आगे अगला जो आपका मेथड है उसके बारे में बात करते हैं तो अगला मेथड क्या है केमिकल ट्रांसफेक्शन तो पहला तो फिजिकल ट्रांसफेक्शन हो गया था उसमें आप डिरेक्टली ट्रांसफर कर रहे थे अब जो केमिकल ट्रांसफेक्शन है उसमें क्या होता है भाई उसमें होता है वन ऑफ द केमिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफेक्शन इंक्लूड ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है इन दिस मैथड अब देखिए यह एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा ठीक है पूरा रीड करने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको इन दिस मेथड द टारगेट डी एन ए अप इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट द डीएनए एंड कैल्शियम फॉस्फेट को प्रिसिपिटेट विथ द फैसिलिटेड डीएनए अपटेक द मेमेलियन सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू टेक अप द फॉरन डी एन ए फ्रॉम द कल्चर मीडियम ठीक है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पे जब आप जो आप केमिकल ट्रांसफेक्शन जब आप जो टर्म है इसके अंदर जो हो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपको उसके अंदर एक परिवर्तन देखने को मिलेगा कैसे यहाँ पे आप जो है जो आपका जीन है उसको आप निकालेंगे ठीक है और उसको आप कहाँ रख देंगे कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट के प्रेजेंस में आप उस जो जो आपका डीएनए है उसको बाहर निकालते हैं और फिर आपका जो डीएनए है वो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या करता है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके यानी कि दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन बना के जो आपका डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए जो आपको चाहिए है उसको अपटेक कर लेता है ठीक है तब यहाँ पे क्या है जो जो आपके मेमेलियन सेल्स जितने भी मेमेलियन सेल्स हैं उनके अंदर ये जो आपके उनके अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि जो वो जब आपका कोई भी डीएनए है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के मीडियम के अंदर प्रेजेंट है तो जो ममेजियंस डीएनए है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वहां से वो आपका जेनेटिक कोड जो है वो ले सके ठीक है तो ये आपका क्या होगा केमिकल ट्रांसफेक्शन क्योंकि यहाँ पे केमिकल कैल्शियम फॉसफेट का यूज किया गया है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं केमिकल ट्रांसफेक्शन ओके नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप तो यहाँ पे क्या है रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं अब तक तो हमने उसमें डायरेक्ट बॉम्बार्डिंग कर दी डीएनए डी एन ए को क्या कल, कल, जो एक कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि केमिकल मीडियम के अंदर आपने उसके अंदर डीएनए इनकॉर्पोरेशन किया अब जो आपका डीएनए इनकॉर्पोरेशन है वो कैसे होगा वो आपका होगा रेट्रोवायरस के थ्रू ठीक है तो टू इंक्रीज द चांस ऑफ एक्सप्रेशन द जीन इज ट्रांसफर्ड बाय द मीन ऑफ अ वेक्टर यानी कि देखिए जो आपका फिजिकल ट्रांसफेक्शन था केमिकल ट्रांसफेक्शन है इसके अलावा जो है आपका जो एक्सप्रेशन देखिए जब भी आप इतने लार्ज यूनिट पे आप एक स्टडी कर रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद इतने माइन्यूट स्टेप्स उठाने के बाद अगर आपके जीन में वो आपका जो डिज़ायर जो डिज़ायर कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस ना हो तो फिर वो क्या फायदा ठीक है तो उसके तो इस जो एक्सप्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए कि आपका वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर दिखे तो सही जिसके अंदर आपने डी एन को इनकॉर्पोरेट किया है तो इस चांसेस को चांस ऑफ इन एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए हम वेक्टर्स का यूज करेंगे वैक्टर्स वो होंगे जो कैरी करेंगे आपके डिजायर डीएनए डिजायर करेक्टर वाले डी को ठीक है सिंस रेट्रोवायरसेस हैव द एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल They are used as vector to transfect the gene into of interest into the target genome. ठीक है तो जो आपके रेट्रोवायरस होते हैं उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो होस्ट सेल को जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसीलिए इनको हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी हमारे डिजायर जीन को किसके अंदर होस्ट जीनोम के अंदर ओके

तो जो आप जब आप वायरस को एज अ व्यक्ति यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है जो आपका राइबोसोमल डीएनए होता है जो तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको मिल रहा होता है तो उसमें क्या है कि जब वायरस जो आपका उसको जब आपके होस्ट सेल में लेके जाता है तो उसमें जो आपका एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे से होता है और वो मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है जैसे आपको पता है कि वायरसेस के अंदर मल्टीप्लीकेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है जैसे उन्हें एक होस्ट सेल मिलता है वो हाईली मतलब एक बहुत ही अच्छे स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं वायरस को एक ऐसा वेक्टर यूज करते हैं जो आपके जीन्स को आपके होस्ट सेल में ले जाए और बेक्टोफिक्शन क्या होता है बैक्टोफिक्शन का मतलब है कि अब तक आपने वायरस यूज कर लिया केमिकल यूज कर लिया फिजिकल मेथड यूज कर लिए रेट्रोवास यूज कर लिया और बैक्टोफिक्शन में आप बैक्टीरिया का यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए इट इज द प्रोसेस बाई विच दिन जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इन टू टारगेट जीन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है यानी कि जो आपने ट्रांसजेनिक एनिमल है क्यों आपने ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट किया आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जो नेचुरली आपके जो एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे थे इन्वायरमेंट के अंदर आखिर वो स्टेबल तो थे तो क्या जरूरत थी उनके अंदर चेंजेस लाने की ठीक है तो नॉर्मल फिजियोलॉ फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका आउटर अपीयरेंस ठीक है आपका जो आउटर या एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो आप देख रहे होते हैं उसके अंदर आपको डेवलपमेंट करना था ठीक है इसलिए आपने ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो बनाया ठीक है इन ट्रांसजेंडिक एनिमल्स अ फॉरन इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू विच द ग्रोथ फैक्टर्स इज अल्टर हैंज दीज एनिमल्स फैसिलिएट द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन एंड द इफेक्ट ऑन एवरीडे functions ऑफ द बॉडी ठीक है अब आप क्या करते हैं जो आपने जो जो जेनेटिक मेकअप किया है ना एक प्लांट या एक एनिमल के अंदर वो जब आप एक आ, एनिमल के अंदर करते हैं तो जब आप एक फॉरेन डीएनए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एनिमल जो नॉर्मली ग्रो कर उसके ग्रोथ में एक डिफरेंस देखने को मिलता है ठीक है उसके जीन रेगुलेशन में एक डिफरेंट डिफरेंस देखने को वो जनरली जैसा फंक्शन करता है उसके अंदर एक डिफरेंस देखने को मिलता है ठीक है तो ये आपका जो नॉर्मल फिजोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट आपको आ, के लिए आपने पहले तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट किया स्टडी ऑफ डिजीजेस ठीक है दूसरा जो आपका मेजर रीज़न uh, था वो ये था कि आपको डिजीज की स्टडी करनी थी यानी कि बहुत सारे डिजीजे जो है वो आपके एनिमल्स में देखने को मिलते हैं ठीक है तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्पेशली डिजाइंड टू स्टडी द रोल ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस ठीक है जो आपके ट्रांसजेनिक जीन्स है ना उनको सिर्फ इसलिए आपको 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 बनाया गया था ताकि आप जो वेरियस जो आपके डिजीज करने वाले जितने माइक्रो पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जीन का उनके रोल ऑफ जीन का आप uh, क्या होता है स्टडी कर सके रिसर्च कर सके कि वो कैसे कहाँ जाके एक प्लांट एक एनिमल के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और ये डिजीज कॉज हो रही है ठीक है मोर ऑर्डर इन ऑर्डर टू डिवाइज क्योर फॉर द डिजीज द ट्रांसजेंडिंग एनिमल्स आर यूज एज मॉडल ऑर्गेनिज्म ठीक है तो देखिए जनरली तो हमने इसको एज अ डिजीज़ फॉर डिजीज़ को स्टडी के लिए आपने ये आपने उसको ये किया लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक गलत तरीके से उपयोग होने लगा आप एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म लोग क्रिएटिविटी करने लग गए कि हम एक नया एनिमल प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन मेन रीज़न क्या था कि आपको डिजीज़ की स्टडी करनी थी उसके अंदर आप एक पैथोजन डालते और फिर देखते कि भाई उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है वो बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो पैथोजन कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है और कौन सा आपका जो पार्ट है वो इन्फेक्ट हो रहा है ठीक है दिस ट्रांसजेनिक मॉडल आर यूज इन रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव द ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर डिजीज सच एज एल्जाइमर्स एंड कैंसर तो अब जो आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट किए वो आपने एज अ मॉडल आपने एक एनिमल तैयार कर लिया ठीक है और उसके अंदर अब आप रिसर्च कर रहे हैं ठीक है उसके अंदर आपने रिसर्च किया और उसी रिसर्च के थ्रू आपका आपने एक जो है आपका uh, अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है जिसमें इंसान को भूलने की बीमारी होती है ठीक है वो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है ठीक है तो उसका जो आपका स्टडी था वो आपके इसी मॉडल ट्रांजेनिक मॉडल पे किया गया और जो कैंसर थे कि वेरियस पा, बॉडी पार्ट्स में आपको कैंसर देखने को मिल रहा था तो उस कैंसर की स्टडी करने के लिए भी आपने आपने आ, क्या बोला ट्रांसजेनिक मॉडल का यू, यूज ट्रांसजेनिक एनिमल एज अ मॉडल आपने यूज़ किया था ओके होप दिस पॉइंट इज क्लियर नेक्स्ट इज एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ठीक है तो जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है उसका आपने उसको आपने एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज़ किया था ठीक है अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज मेडिसिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है तो आपके कई सारे मेडिसिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको मिल रहे थे किससे आपके ट्रांसजेनिक एनिमल से इसलिए भी आपने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया था रिसर्च फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट डिजीज सच एज फिनाइल क्यूटोनोरिया पी के यू एंड द हेडिटरी इम्फेसलेमा इज गोइंग ऑन ठीक है तो आपका कुछ रिसर्च है मेडिसिन का ठीक है आपका फिनाइल क्यूटोनोरियूरिया का जो आपका डिजीज है ठीक है और हेलिट्री इम्फाइसेमा हेलिटी इम्फाइसेमा और ये पी के यू डिजीज के ऊपर भी रिसर्च चल रहा है इसके लिए भी आपने ये जो आपका ट्रांसजेनिक एनिमल है वो आप बनाया ठीक है द द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी इन 1997 प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन 2.4 पॉइंट ग्राम्स पर लीटर ठीक है यानी कि जो आपके ह्यूमन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो आपके काउ मिल्क में मदर मिल्क से मिल रहा होता है जो मदर मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है तो एक ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस करी गई थी जिसके अंदर जो आपका ह्यूमन प्रोटीन है वो 2.4 पॉइंट ग्राम पर लीटर देखने को मिल रहा था ठीक है द मिल्क कंटेन्स ह्यूमन जीन अल्फा लेक्टोट एंड कुड बी गिवन टू बेबीज एज एन अल्टरनेटिव टू नेचुरल काउ ठीक है जो छोटे बच्चे थे उनको ये दिया जा सकता था ठीक है थीके? जिन जिनकी मदर्स में जो है वो मिल्क जनरेट नहीं होता था उनको एज एन अल्टरनेटिव ये मिल्क प्रोवाइड किया जा सकता ठीक है थीके? तो एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज वैक्सीन सेफ्टी नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन क्या है देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड एज मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर इंजेक्टेड इन ह्यूमेंस दे आर कन्वीनियंटली कन्वीनियंटली डन इन ऑन मंकीज ठीक है तो uh, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो आपकी वैक्सीन से होती है जब भी आप किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट को भी वैक्सीन आप रिलीज करते कोरोना के टाइम पे जितनी भी वैक्सीन आपके रिलीज़ हुई वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट की गई थी जब आप किसी ऑर्गेनिजम को जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं उसको आप एज अ मॉडल कहते हैं तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको एज अ मॉडल यूज किया गया कि वो इंजेक्शन उस पर प्रॉपरली असर कर रही है या नहीं वो देखने के लिए कि उसका प्रॉपर असर है या नहीं ठीक है उसके बाद जब वहाँ से उसको अप्रूवल मिलती तब वो ह्यूमन्स में इंजेक्ट करी जाती तो जनरली आपको ये, आपका ये जो टेस्टिंग है वो आपको मंकिन्स के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपके लिए ठीक है याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से ये वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली आप जब एक डेप्थ में स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स ये जो है स्किप हो जाते हैं बट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो आपके थियोरिटिकल पार्ट से नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाईलाइटेड वार्ड होता है उससे आ रहा होता है ठीक है तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है अगर आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करें तो, तो पहला पॉइंट क्या है नाइनटीन नाइनटी सेवन में जो मैंने आपको अभी बताया कि रोजी द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव वॉज इंजीनियर टू प्रोड्यूस मिल्क एंड रिचड विथ ह्यूमन प्रोटीन कॉल्ड अल्फा लेक्ट एबुल मेकिंग द मोर न्यूट्रिशनल बैलेंस दैन नैचुरल मिल्क का एल्डर्ली पीपल विथ स्पेशल न्यूट्रिशनल और डायजेस्टिव नीड्स ठीक है तो यानी कि इसकी जो आपका जो रोजी का जो काव था वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनली इफेक्टिव था ठीक है वो बेबीज़ के लिए भी और एल्डरली पीपल्स के लिए भी ठीक है तो ये पहले पहला एक इफेक्टिव आपका ट्रांसजेनिक एनिमल था ये ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सालमोन सलमोन क्या है एक फिश है आपकी ठीक है एक फिश के अंदर एक ट्रांसजेनिक फिश आपके क्रिएट किया जिसका नाम था सलमोन एक वैरायटी ऑफ फिश है ठीक है और इसका क्या फीचर था जब इसको देखिए इस जब ये आपका रिप्रोडक्शन करती थी यानी ब्रीडिंग जब इसकी होती थी तो जब इस इसके अंदर ब्रीडिंग बहुत ही हाई रेट में होता था और इसके जो जब ब्रीडिंग हाई रेट में होती तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिट थी और जितना भी आपको कॉड लिवर ऑयल जितना भी बेनिफिट आपको प्रोटीन्स वगैरह जो फिशज से मिल रहे होते थे वो आपको प्रोवाइड हो रहे थे तो जो सैलम था उसके अंदर आपने ट्रांस आपने सलमोन फिश थी उसके अंदर आपने ट्रांसजेंड जो डेंटिक मेकअप किया और ये वराइटी डेवलप करी थी ठीक है बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांजिक ट्रांस फर्स्ट जेंटिकली मॉडिफाइड एनिमल टू एंटर फूड सप्लाई डेवलप्ड बाई एक्वा एक्वाबोटनी टेक्निक्स यूएस बेस्ड फॉर एक यूएस बेस्ड फॉर्म थी जिसको जिसका नाम था एक्वा एक्वाबोटनी टेक्नोलॉजीज ठीक है और इसके थ्रू एक आपकी फिश जो है इसका नाम सालमोन है ये आपकी प्रोड्यूस की गई थी ये ये पहली फिश थी जो कि आपके फूड सप्लाई के अंदर एंटर करी गई थी ठीक है अब फिश का मेजर काम क्या होता है हम उसको एज अ फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर का जो आपका अमाइनो एसिड है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होता है ठीक है प्रोटीन आपके लिए हेल्पफुल होता है तो ये पहला जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल था जो कि आपके फूड सप्लाई में गया था ठीक है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल अ माउस वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन सेवेंटी फोर बाई रूडोजी यानी कि जो देखिए आपके बहुत सारे जो है जेनेटिकली मॉडिफिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए थे एनिमल्स के अंदर लेकिन सबसे पहले जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ था वो माउस के अंदर ही हुआ था ठीक है तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा सबसे तो पहला जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो माउस के अंदर हुआ था और वो किसने किया था रूडो जेन जेनेस्ट ने ठीक है ये आपका जो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल था ठीक है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जी पी एम वॉस्ट टोबैको रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स इन नाइनटीन एटी थ्री अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो जो आपका टोबैको प्लांट था वो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था हाँ फर्स्ट जेनेटिकली क्रॉप और डिलेड राइपनिंग टू टोमेटो वॉज कमर्शियली रिलीज उसके बाद फ्लावर फ्लावर था जो आपका जो कि आपका डिलेड राइपनिंग राइपनिंग का मतलब क्या है कि वो राइपन तो था बट उसके सॉफ्टनिंग वो खराब नहीं होता था ठीक है तो ये फ्लावर्स फ्लावर की बात हो रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है ठीक है तो ये सारे पहले आपके ट्रांसजेनिक क्रॉप और ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे आपके एनलिस्ट किए गए हैं ठीक है थीके? अब हम बात करते हैं कि आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कुछ बेनिफिट और कुछ रिस्क के बारे में ठीक है जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो क्या देखिए पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड कुड बी इंप्रूव्ड ठीक है जो आपका फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ाया जा सके ठीक है सेकेंड बेनिफिट क्या है क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट लैक दैट लैक लैक्स नॉन एलर्जेंस ठीक है तो ठीक है कुछ जो क्रॉप्स है जिसके जो एलर्जी क्रिएट करते थे एलर्जेंस मतलब क्या जो एक नेगेटिव टॉक्सिसिटी क्रिएट कर आपके ठीक है वो क्रॉप्स आपके प्रोड्यूस किए जा सकते थे ठीक है क्रॉप्स के अंदर का मॉडिफिकेशन किया जा सकता था क्रॉप्स कैन कैन ग्रो क्रॉप्स कैन ग्रो इन एरिड कंडीशन फॉर बेटर ईल्ड ठीक है अब आप बात करते हैं एरिड कंडीशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो एयरिड कंडीशन का मतलब क्या कि जहां पे है जहां पर आपको प्रॉपर टेम्परेचर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो आपने एक प्लांट के अंदर जेनेटिक मोडिफिकेशन किया किस लिए कि वो एरिड कंडीशन में भी एक अच्छी ईल्ड आपको दे सके ठीक है इसलिए किया हाँ एग्जाम्पल बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रॉथ रजिस्टेंट जी यानी कि उसके अंदर आपने ऐसा जीन इनकॉर्पोरेट किया जो कि आपका ड्रॉथ रेजिस्टेंस शो कर रहा था यानी कि वो अब प्लांट जो है वो जब पानी की स्कैसिटी हो यानी वाटर स्कैसिटी हो तब भी खुद को सर्वाइव कर सके ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस कैन प्रोड्यूस हर्बिसाइड्स टू किल पेस्ट यानी कि जो देखिए जो जी एम क्रॉप्स के अंदर ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जब आप उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो आपके पेस्ट हैं उनके लिए वो हर्बिसाइड्स यानी कि उनको मारने का जो केमिकल है वो खुद ही रिलीज कर लेते थे ठीक है तो इससे क्या होता था कि आपको बाहर से हर्बिसाइड्स आपको उस पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ठीक है इट शुड बी पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड ठीक है Next, improve food supply agriculture in poor countries. GM crops can be engineered to improve yield. तो देखिए जो पुअर कंट्रीज़ है पुअर कंट्रीज मतलब क्या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ने क्या किया जो इल्ड बढ़ाया उससे क्या हुआ कि उनका जो एग्रीकल्चरल स्टाटा है वो बढ़ा और उनको जो फूड सप्लाई है वो भी अच्छे से मिल सकी यानी कि उनके सर्वाइवर की जितनी फूड की रिक्वायरमेंट थी वो भी मीट हो गई और उनका जो एग्रीकल्चर स्टेटस था वो भी मेनटेन हुआ थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ठीक है क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छी इल्ड देखने को मिल रही थी अच्छा इल्ड आप जनरेट कर पा रहे थे छोटे एरिया ऑफ लैंड पे कम uh, कम मैकेनाइजेशन करके ठीक है नेक्स्ट इज जेनेटिक जीएम में हैव लाइफ लेस पॉइंट मतलब कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनका सेल्फ लाइफ बहुत सेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होते या जल्दी उसमें जो है आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा जो भी क्रॉप से जब आप जितना भी प्रोडक्ट्स आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से मिलेगा उन पर आपको ज़्यादा प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसको आपने ऐसा मॉडिफाई किया है कि वो खुद को अच्छे से सर्वाइव कर सके ठीक है और उसकी जो प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे उसमें भी ज़्यादा आपको प्रिजर्वेटिव या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट रिड्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट एंड कार्बन फुटप्रिंट लेस नीडेड फॉर लैंड क्लियरिंग एंड पेस्टिसाइड यूज यूजेज तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका इकोनॉमिक कॉस्ट है देखिए जो आपका फील जब भी आप कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो मेजर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो किस पे लग रहा होता है आपके सीड्स पे लग रहा होता है इरिगेशन पे लग रहा होता है हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इस पर पे लग रहा होता है ठीक है तो इस ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है कहीं ना कहीं आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो जो कि आप जब आप जब आप हर्बिसाइड्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर रोगिंग कर रहे हैं रोगिंग भी कर रहे हैं या बीडिंग कर रहे हैं उसके लिए भी आप लेबर हायर कर रहे हैं लेबर को भी आप कुछ पेमेंट करनी पड़ रही है तो जब आपके प्लांट्स में जो हैं वो इतने आप खुद रेजिस्टेंट हैं कि वो आप उस पर कोई भी इंसेक्ट्स का या फिर किसी भी टाइप के हर्ब का कोई भी हजार या फिर कॉम्पिटिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है इकोनॉमिक कॉस्ट है वो रिड्यूज़ हो रहा होगा ओके okay? तो ये तो थे आपके सारे बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिस्क इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अब हम रिस्क की बात करें तो पहला पॉइंट क्या है न्यू न्यूट्रेट कुड कॉज एडवर्स हेल्थ रिएक्शंस ठीक है न्यू प्रोटीन्स में कॉज एलर्जिक रिस्पॉन्स ठीक है तो जो भी अब मान लीजिए आपने फिश जो है मॉडिफाई करी थी या जो फिश मॉडिफाई हुई थी उसकी प्रोटीन जरूरी नहीं है कि सब में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाए उसके अंदर कुछ एलर्जिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि देखिए वो नेचुरली ऐसे प्रेजेंट नहीं थे उसको ह्यूमंस ने मॉडिफाई किया है तो उसके अंदर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं ये एक रिस्क है इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द केसेस बट इट इज अ पॉसिबिलिटी ओके नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ट्रेड कुड हैव अननोन इफेक्ट्स ठीक है तो जो आप जब भी आप किसी भी प्लांट से कोई एक ट्रेड को रिमूव कर रहे होते हैं ठीक है आपको लगता है कि वो ट्रेड हजारडियस था इसलिए आपको आपको मॉडिफाई करना होगा लेकिन उसके वजह से आखिर वो आपके बाकी सारे फीचर्स का सिंक में काम कर रहा था ठीक है अब आपने उसको रिमूव कर दिया अब उससे कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे जो कि आपको पता नहीं चल रहे होंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी अथॉरिटी है वो ट्रिमिंडेसली जो है आपका इंस्पेक्शन नहीं कर रही जितने भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या एनिमल्स के ऊपर तो कुछ ऐसे फीचर्स जिसको आप रिमूव कर कर रहे हैं उसके कुछ आपके अननोन इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं ठीक है थीके? जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो सकता है फ्यूचर जनरेशन में आपके जब आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो या आपका जो इन्वामेंटल कंडीशंस चेंज हो तब वो आपको इफेक्ट दिखे और हो सके वो ज़्यादा ही हार्मफुल हो आपके लिए ठीक है तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्क है और इसी जो आपके नॉन जीएमओ एक्टिविस्ट हैं वो इसके ऊपर इसको अपोज करते हैं कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एनिमल्स को ज़्यादा आप ऐसे बाहर रिलीज़ ना करें ठीक है क्रॉप्स में लिमिट बायोडाइवर्सिटी ऑफ लोकल एनवामेंट ठीक है देखिए जो आप जब आप कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं तो सारे वीड्स जो आपके ग्रो होते हैं वो सारे हार्मफुल नहीं होते ठीक है जब वीट में आपका जो एक सीनोपोडियम एल्बम होता है ठीक है वो भी एक वीड ही कंसिडर किया जाता है ठीक है वो वीड एज अड कंसिडर किया जाता है बट वी है वी टेक इट एज फॉर ईटिंग पर्पज ऑल्सो ठीक है तो वो जब जितने भी प्लांट्स आपके ग्रो हो रहे हैं जब वो ग्रो होना बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बायोडाइवर्सिटी पे असर दिखेगा डायवर्सिटी का मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज का एग्जिस्टेंस ठीक है तो कहीं ना कहीं आपकी बायोडाइवर्सिटी पे जो है इसका असर देखने को मिलेगा इंक्रीज कॉम्पिटिशन विद द नेटिव स्पीशीज ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिशन कुड लीड टू सुपर वीड्स अब सुपर वीड्स के बारे में बात करते हैं जब आपने देखा कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपका डी एम एस लेवन मस्टर्ड आपने ग्रो बनाया था ठीक है इससे आपने क्रॉस पॉलिनेशन कराया जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उससे कुछ ऐसे वीड्स देखिए अब आपने जब जेनेटिकली मॉडिफाई किया है एक क्रॉप को तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो नेचुरली पहले प्रेजेंट नहीं थे तो अब उसके वजह से जो वीड्स ग्रो होंगे उसके लिए आप आ, उसका जो आपका प्रिवेंटिव मेजर या कंट्रोल मेजर्स है वो भी आप नहीं आ, वो भी अभी इवॉल्व नहीं हुआ होगा इसलिए उसको सुपर वीड कह रहे होंगे सोचो so, वो वीड जो उन प्लांट्स को भी कॉम्पटिशन दे रहे हैं या उन प्लांट्स के भी न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारे पास वीड्स थे क्रॉस पॉइंजन किया फिर हमें अब ऐसे वीड्स मिल गए जिनके जिनके लिए अब हमारे पास कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है ठीक है तो ये एक आपका रिस्क है नेक्स्ट रिस्क नेक्स्ट पॉइंट क्या है पेटेंट रेस्ट्रिक्स फार्मर्स फ्रॉम एसेसिंग एसिंग जी एम सीड्स बायोटेक कंपनीज होल्ड मोनोपोलीज़ ओवर क्रॉप यूजेस ठीक है अब देखो यहाँ पे एक बात होती है कि जब भी आपका कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ठीक है तो उसको जो आपके फार्मर्स है ठीक है जब वो फार्मर्स उसको यूज़ के लिए लेते चाहते हैं तो क्या होता है कि पेटेंट मतलब क्या होता है कि जिसने वो ग्रो किया हुआ है उसके पास उसका कॉपीराइट हो उसके पास उसका पूरी अथॉरिटी हो कि भाई ये मेरा है तो वो क्या कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है फार्मर्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लेने में ठीक है तो जो बायो बायोटेक कंपनीज हैं वो मोनोपोलिस मोनोपोलिस का मतलब ये कि वही सिर्फ जनरेट करेंगे और वही सिर्फ मतलब एक सिंगल जनरेटर होगा और कोई वो क्रॉप जनरेट नहीं कर सकता ठीक है एक सिंगल सिंगल जैसे कि अब इंडिया में अगर मोनोपोली की बात करें तो इंडियन रेलवेज एक मोनोपोलिस्टिक सिस्टम में काम करती है ठीक है तो जितने भी ट्रेन है वो वो आपके इंडियन रेलवे के अंदर ही जाएंगी तो इस तरह से कुछ बायोटेक कंपनीज हैं जो कि मोनोपोलिस मोनोपोलिस बनाए रखती हैं कुछ क्रॉप्स के ऊपर ठीक है कि भाई हम ये क्रॉप का यूज इस एरिया में नहीं दे सकते या इतने अमाउंट में ही हम आपको देंगे या कुछ भी वेस्ट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन वो लोग प्रोवाइड देखने को मिलता है फार्मर्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज करने में ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड्स विथ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉम्पोनेंट कैन नॉट बी लेबल्ड ठीक है कितने भी आपके जो फूड्स होते हैं उसके अंदर जो भी जो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉम्पोनेंट जो आपको उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आप लेबल नहीं कर सकते ठीक है लेबल का मतलब क्या है कि ऐसे आप उसको पब्लिकली बाहर रिलीज नहीं कर सकते ठीक है तो वो वो एक रिस्क है इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट इज डिफरेंट गवर्नमेंट मे हैव कम कंफ्लिक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स कंसर्निंग सेफ यूज एक रिस्क जीएम क्रॉप्स के अंदर ये है कि इतनी मेहनत से आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो बना ली लेकिन जो अलग अलग सरकारें अलग अलग गवर्नमेंट या अलग अलग अथॉरिटीज जो है उनके पास अलग अलग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है भाई किसी कोई ये कह रहा होगा कि ये हमारे क्रॉप के लिए सही नहीं है या कोई कह रहा होगा सॉइल के सही नहीं है डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वो दे रहे होंगे और इससे क्या हो रहा है कि वो आपको जो आपका जी क्रॉप है उसका एक प्रॉपर सेफ यूजेज नहीं आपको देखने को मिलता है ठीक है तो ये आपके रिस्क हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ठीक है तो ये ये सारे वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए कोई कोई भी अगर आपको इस क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं सम इंस्टिट्यूट्स रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजीज ठीक है अगर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बात करते हैं तो जो भी आपका रिसर्च हो रहा है स्टडी हो रहा है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो पहले आपका है एन ठीक है तो एन का फुल फॉर्म क्या है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि आपका मोहाली पंजाब में लोकेटेड है ठीक है और नेक्स्ट आपका सी डी एफ डी ठीक है सेंट्रल फूड सेंटर फॉर डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ठीक है तो ये आपका हैदराबाद में है ठीक है तेलंगाना के हैदराबाद में आपको ये देखने को मिलेगा इसके लोकेटेड है नेक्स्ट है आपका एन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च दिस इज लोकेटेड एट न्यू डेली ओके नेक्स्ट इज एन ए आई बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी दिस इज ऑल्सो लोकेटेड एट हैदराबाद नेक्स्ट इज एन आई बी एम जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स इट इज इन कल्याणी वेस्ट बंगाल ओके नेक्स्ट इज राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इट इज प्रेजेंट इन तिरुवनंतपुरम ओके नेक्स्ट इज रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आर सी बी इट इज इन फरीदाबाद ठीक है तो ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं ठीक है तो इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन अराइज होते हैं ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो आपके लिए एनलिस्ट किए गए थे ठीक तो अब मैं बताना चाहती हूं कि अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए है एक कंप्लीट कोर्स ठीक है इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीजेस क्वेश्चन बैंक क्वालिटी कंटेंट जस्ट इन द प्राइज ऑफ थर्टीन हंड्रेड सिर्फ तेरह सौ के मिनिमल कॉस्ट पर आपको ये सारे फीचर्स इस कोर्स के अंदर मिलेंगे इस कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इसके इस कोर्स इस में इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ठीक है तो आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छा अच्छे से अच्छा कीजिए कि रेगुलर बेस पे हम जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो भी कंटेंट इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सफिशिएंट है आपको आपका फूड सेफ्टी और ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ओके नेक्स्ट अगर आप आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन के अंदर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर कंडक्ट हो रहा है उसके लिए भी आपका आपको एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ थर्टीन हंड्रेड रुपीज सो इन दिस कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर सेकेंड पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक एंड क्वालिटी कंटेंट विच विच इज़ प्रोवाइडेड इन दिस कंटेंट इन दिस कोर्स so you can enroll in this course and to enroll in this course the link is provided in the description box if you have any type of doubt or inquiry we have also provided our personal contact number you can talk to our management team okay hope you like the class and if you have any doubts you can comment and ऑल्सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका जेंटिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप एनिमल्स ये सारे जो है ना ये आपके लगभग सारे एग्जाम जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें ये आता है ठीक है तो इसको आप शेयर कर दीजिए और कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जी अपना ध्यान रखें थैंक यू